हेलो आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि गलत वीडियो पे आ गए नहीं ये सरस्वती पूजा मेकअप वीडियो ही होने वाला है एंड मैंने अभी ऐसा हाल इसलिए बना के रखा है क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती मैं मेकअप करने के बाद मम्मी को बोलूँगी साड़ी पहनाने तो सबसे पहले फिटैक से मैं मेकअप करूंगी एंड अभी ना मैंने सिर्फ फेस वॉश करा है लिप्स पर भी कुछ नहीं लगाया एंड अपने फेस पर भी नहीं सो so दैट सब कुछ आपको दिखाऊँ एंड इधर मेरा ना माइक का भी एक और वीडियो चलता है तो या समझ रहे हो। ओके तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल के बैठे हैं एंड बहुत ही बढ़िया मेकअप करने वाली हूँ मैं पता है ये सारे प्रोडक्ट्स ना प्रोडक्ट्स ना अंडर टू हंड्रेड आपको मिल जाएंगे टू और थ्री में बट दे आर अमेजिंग मतलब सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है इस मैं सच्ची बता रही हूँ ओके लेट्स स्टार्ट द मेकअप भाई दीबी सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड मैंने ना अभी नेल पेंट लगाया है ऐसे मरून वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड ये ड्राई नहीं हुए हैं आई थिंक बट ठीक है स्टार्ट करते हैं मैं ना सोच रही थोड़ा सा कैमरा जूम कर दूँ सो so दैट आपका ना फोकस सिर्फ मेरे फेस पर हो हाँ ये बढ़िया हो गया एंड आई विल स्टार्ट एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़े से स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना दो तीन स्टेप करती हूँ मैं मेकअप करने से पहले वो भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं डायरेक्ट फेस वॉश करके आए एंड मेकअप स्टार्ट कर दिया वो बिल्कुल मत करना आ, उससे ना आपका स्किन आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ऐसे ड्राई ड्राई दिखेगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स थोड़े से लाइक प्राइस से हाई जा सकते हैं अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो दिस इज़ प्लम का रोज वाटर जो आई थिंक टू हंड्रेड के अंदर ही है <tries> ये मैंने न्यू लिया है इससे पहले मैंने प्लम का रोज़ वाटर वाली टोनर यूज़ नहीं करी ओके मॉइस्चराइजर के लिए आई एम यूजिंग दिस डमा को बहुत दिनों से मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहा है बाय भाई दिबे अगर अफोर्डेबल में चाहिए तो आप पॉइंट्स का वो वाटर जेल वाला आता है ना ब्लू वाली डिब्बी में यार वो भी मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छी है और मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर मेकअप ओके सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये सरस्वती पूजा मेकअप लुक हो रहा है दैट्स वाई मैंने सोचा दिन में ही सारे लोग जाते हैं ना बाहर इसलिए सनस्क्रीन इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैंने डमाको का मॉइस्चराइजर यूज़ करा है एंड एक्वाजिका का सनस्क्रीन जो मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ओह कहाँ लगा रही हूँ मैं अपने लिप्स पर लगा रही हूँ uh, मैंने सनस्क्रीन लगा लिया बहुत ही बढ़िया से एंड गाइज फॉर द लिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ दिस टिप्सी ब्यूटी का आई नो ये बहुत ही कॉस्टली है बट इंस्टेड ऑफ़ दिस अभी एकोलॉजिका का अभी मैंने लिया है अ, लिया है नहीं क्लेब के लिया था वो भी बहुत अच्छा है ये तो लाइक like, प्राइस के अनुसार उतना भी अच्छा नहीं है ये मैंने ग्यारह सौ में लिया था ठीक है मेकअप सारे बहुत ही अफोर्डेबल होंगे और मैं आई मीन I mean, लिप्स के लिए भी मैं कुछ ढूंढ नहीं पा रही थी मैं बता रही हूँ मैं इतना जल्दी में क्यों हूँ वो भी मैं बताती हूँ ओके okay, तो स्किन केयर करने के दो मिनट बाद आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले ये एन बाई बे का प्रोब, uh, sorry, प्रो सॉरी प्रो स्ट्रॉप क्रीम गाइस मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता आई थिंक ये सबके पास होना चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल में आपको इतना बढ़िया स्ट्रॉप क्रीम ना कहीं नहीं मिलेगी मतलब इस प्राइस रेंज में आई नो डिब्बी छोटी सा है बट बहुत ही बढ़िया मतलब थोड़ा सा लगाओगे ना एंड यू कैन द ग्लो गाइज जस्ट द ग्लो ये ना मैप की स्ट्रॉप क्रीम की ड्यूप है आई थिंक दो सौ सौ में आपको मिल जाएगी एंड बहुत ही बढ़िया लाइक like अगर आप वेडिंग गेस्ट मेकअप कर रहे हो शादी विवाह ये सब में भी जा रहे हो तो ये क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मतलब ग्लो आ जाता है आपके फेस पर आपका मेकअप बड़ा बढ़िया लगता है बेस मेकअप तो लगा सकते हो ओके okay. तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो स्ट्रॉप क्रीम वगैरह लगाते हैं ना तो प्राइमर मिस कर देते नहीं मैं वो नहीं करती क्योंकि पोर्स भाई अच्छे से ब्लर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फ़्लॉलेस बेस चाहिए मैं एन बाई बे का ही प्राइमर यूज़ करी हूँ इट्स रियली नाइस सिलीकोन वेस्ट प्राइमर है एंड ऑयली स्किन के लिए तो परफेक्ट है तो बस मैं ना टी जोन पर फोकस करती हूँ क्योंकि मेरे ऐसे इलाज पोर्स है नहीं एज यू कैन सी तो मेरे थोड़े से इधर है तो मैं इधर एंड थोड़े सा इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा, सा इधर बस इधर ही फोकस करती हूँ एंड बहुत बार तो मैं पूरे फेस पर भी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो चाहिए फ्लॉलेस बेस प्राइमर लगाने के बाद जो आप मेकअप करते हो ना फाउंडेशन लगाते हो तो काफ़ी अच्छा आता है भाई मेरे घर के पास रोड है आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया तो आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी एंड बाई वेक का मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ अफोर्डेबल में मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी पसंद है इसका मैंने दो बॉटल ख़त्म कर दिया है एंड इसमें मेरा जो सेड है वो है एस्प्रेसो आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया लाइक मीडियम कवरेज देता है बट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड वगैरह हो जाता है दैट्स वाई आई लव दिस मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा है मैं अपने हाथों का यूज़ करूँगी एंड फिटायक से मेकअप करूँगी बिना आपको बोर करते हुए क्योंकि ना मेकअप वाली वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है बट क्रिएटर चाहते हैं कि आप लोग बोर ना हो साथ में वीडियो इंफॉर्मेटिव हो आप लोगों को समझ में भी आए मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना यार आ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया था यार पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंनेटो really दिस इज ब्यूटी ब्लेंडर 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 जिससे फाउंडेशन ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ही नेचुरल कवरेज मिलेगा अगर अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड तो मैं ये यूज़ नहीं करने वाली हूँ तो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं ऐसा ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट ब्रश जो कि टूट गया है आई डोंट नो वेयर आई कैप्ट दिस ठुक्की या खुट्टी जो भी हो वो होल्डर जो होता है ना वो मैंने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता अभी इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं बाय द वे ये ये सारे जितने ब्रश हैं ना मैंने इसको इतना यूज़ करा है जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी तब भी आप देख सकते हो यही सारे ब्रश का मैं यूज़ करती थी एंड अभी भी तो अभी मैं फाउंडेशन लगाकर अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी ओके फॉर द कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इन साइड एच डी कंसीलर इन द सेट एम एन वाई ट्वेंटी मुझे अब सारे सेट्स वगैरह अच्छे से याद हो गए हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया कंसीलर है बहुत ही अच्छा कवरेज देता है मीडियम टू फुल कवरेज आई जस्ट लव दिस कंसीलर कवरेज की बात तो छोड़ ही दो अच्छे से ब्लेंड भी होता है तो मुझे ये कंसीलर काफ़ी पसंद है बिना मैं फटैक्स से ब्लेंड कर लेती हूँ यार आफ्टर ब्लेंडिंग कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये लूज़ पाउडर जो कि काफ़ी अच्छा एंड ख़त्म हो गया है अफोर्डेबल में बहुत ही बढ़िया लूज़ पाउडर है ये गई ये तो सच में ख़त्म हो गया बस आज भर काम आ जाओ भाई आज भर काम आ जाओ मैं ले लूँगी यार ले लूँगी ओह एज़ इस पाउडर को भी ना मैंने बहुत ही यूज़ करा है मतलब बहुत ही मुझे पसंद जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना फिर मैं वही यूज़ करते रहती हूँ ओके okay, अभी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं मतलब मैं ना हमेशा मेरे पास एक प्रोडक्ट्स का डब्बा होगा जो कि मैं अभी न्यू मंगाए होंगी अगर आप जब भी बोलोगे ना मैं कहूँगी जैसे अभी भी कुछ प्रोडक्ट प्रो, 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 प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करे हुए हैं एंड बाई बे काजल लगा रही हूँ जो रिसेंटली आए थे एंड करना कैसे ये आई मेकअप ये पहले सीखो ठीक है लाइक ये कमेंट्स में आए थे कि दीदी कैसे करा था आपने तो बताओ तो वो विस्तार से मैं बता रही हूँ तो अभी मैंने जस्ट कंसीलर लगाया है एंड पाउडर मैंने इधर सेट करा है सो so दैट क्रीज ना बने इधर मैंने कुछ सेट नहीं करा है इधर बस हल्के से कंसीलर लगे हुए अगर पिगमेंटेड आइज है तो कंसीलर थोड़ा ज़्यादा लगाओ बट अच्छे से ब्लेंड कर लो बट पाउडर से बिल्कुल मत सेट करना काजल लो कोई भी काजल ले सकते हो जो आप यूज़ करते हो एंड बस इसको ना ऐसे अरे भाई कैसे दिखाऊँ मैं खुद को भी तो देखना है ओके okay, तो इसको ना बस ऊपर ऐसे लेस से एकदम ऐसे चिपका कर आपको लाइन खींचनी है ठीक है ज़्यादा भी नहीं फैलाना है ठीक है अब ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट लाइन खींचनी है बस हल्का सा ना कैसे भी रैंडमली रफली जैसे भी खींच सकते हो वैसे खींच लो एंड इधर भी मैं वही करूँगी तो जस्ट मैं ना लेसेस को एकदम चिपका कर, कर रही करो क्योंकि फिर समझ करूँगी तो फिर ऊपर फैलेगा ही तो ज़्यादा फैलाना नहीं है हमें एंड उसके बाद ना ये काजल एन वाई वे का है तो थोड़ा सा ये ज़्यादा स्मच होता है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है वो थोड़ा देर बाद उसको स्मच करूँगी तो चलेगा उसके बाद नीचे करना क्या है काजल आप लगाओ वाटर लाइन पर अपने वो ज़्यादा ज़रूरी है वरना खूबसूरत नहीं दिखोगे आप क्या बोल रही हो मैं ओके okay, तो दिस इज़ दस सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है ना ये लोअर लेसेस जो है बस चिपका कर मतलब वही एकदम करीब से बस हल्का हल्के हाथों से ना आपको काजल को ऐसे से ड्रॉ करना है सो दैट मज भी हो और लाइन भी ड्रॉ हो वो कर लेना है दोनों आँखों देखो आई एम डन बट अभी इसको परफेक्शन देने के लिए आपको एक ब्रश लेना पड़ेगा ये आते हैं ऐसे स्मजर ब्रश बट ये सबके पास नहीं होते तो आप ऐसे फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो इस टाइप के छोटे बड़े जो भी है तो मेरे ना गंदे पड़े हुए यार पर ठीक है अभी मैं आप लोगों के लिए यही कर यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ना सारे के लोगों के पास होता है तो इसको हल्के हल्के से ना ऐसे नहीं यार सबसे अच्छा फिंगर से कर सकते हो तो फिंगर से हल्का हल्का समझ कर लो हल्का 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 समझ करो ठीक है ऊपर लेसेस uh, क्या उसको कहते हैं आईलिट पर जस्ट स्प्रेड करो एंड हल्का सा ऊपर तक ले जा सकते हो एज यू कैन एजुकेंसी ये वाली जो काज़ल है ना देखो दो मिनट बाद भी अच्छे से समझ हो रही है बट कोई काज़ल ना आपको तुरंत समझ करना पड़ेगा वरना नहीं समझ होगी लेट हो जाएगा तो तो देख लेना ये वाली काजल समझ हो जाती है बट लैकमे वगैरह वाली काज़ल ना समझ नहीं होती है जल्दी तो आपको ना जल्दी से ऊपर ऐसे ड्रॉ करो एक आँखों में और जल्दी जल्दी ऐसे मज़ कर लेना ठीक है फिर मत बोलना कि दीदी मेरी तो समझ ही नहीं हो रही कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ बस हल्का सा इक्वली मैं सब सब जगह ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ स्मज करके एज यू कैन सी कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं मैंने काजल लगाया कहीं नहीं लगाया दैट्स इट अब आपको क्या करना है ना सेट करना है देखो इधर काजल ज़्यादा लग रहे हैं इधर कम लग रहे हैं बस सब सेट हो जाएगा ये दिस इज स्विस ब्यूटी का क्या है आई सेट पैलेट मैं भी पागल हूँ यार ओके okay. ठीक है तो इसमें ना ये ब्राउन सेड है ना वो आप यूज़ कर सकते हो सेट करने के लिए एंड अपने आई मेकअप को एकदम से चेंज करने के लिए सेट करने के लिए नहीं मतलब ऊपर ऐसे आ, मैं जैसा कर रही हूँ ना वैसे सीख लूँ ठीक है मुझे नहीं आता यार बताने के लिए ओके okay, तो एज यू कैन सी मैंने ऊपर डाला लगाया एंड फिर ना ब्रश को टैप कर लो ठीक है सारे प्रोडक्ट्स निकल जाने चाहिए एंड फिर अच्छे से पूरे काजल पे भी आप ऐसे स्मज कर सकते हो ब्रश चला सकते हो कुछ नहीं होगा वो काजल अच्छे से सेट हो जाएगा एंड ब्लेंडेड लगेगा देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है ना देखो 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 कितना बढ़िया लग रहा है ना इस काजल पे भी ऐसे करके चला दो एंड पूरे आईलेट पर भी चला दो मतलब पूरा मतलब ऐसे से मत घिस देना आराम से टाइम दो यार ये सब पे नहीं लगना चाहिए वरना बेकार सा लगेगा सिर्फ आपके आईलेट कवर होना चाहिए जस्ट लुक एट द आईज कितना प्यारा लग रहा है अब नीचे वाले को भी ऐसे ही सेट करना है बट उसके लिए हम दूसरा ब्रश यूज करेंगे दिस फ्लैट ब्रश एंड इस पर हल्का सा प्रोडक्ट लगाएंगे टैप करेंगे एंड बस भाई आपको दिख रहा है क्या मैं ऐ में देखने के चक्कर में ना बस इसको थोड़ा सा समझ करेंगे दैट्स इट योर आई मेकअप इज रेडी वैसे ही मैं सेम इधर कर लूँ अब बताओ ये आई मेकअप करना इतना मुश्किल भी तो नहीं था ना देखो बस एक काजल लगी एंड एक आई लगा एंड आई थिंक एक या दो ब्रश लगा ठीक है इससे आपका इतना बढ़िया सा आई मेकअप रेडी है जस्ट लुक एट द फिनिश आप बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड लग रहा है एंड बहुत ही अच्छे से स्मज कोल प्रॉपर जो काजल वाली आंखें होती है ना वैसे ही लग रहा है आपको इधर लाइट ब्राउन शेड ही यूज़ करना है डार्क ब्राउन या फिर और कोई कलर यूज मत कर लेना ओके नाउ इज द टाइम फॉर मस्कारा मस्कारा की अच्छी सी कोटिंग नहीं करोगे ना ये आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला तो मैं यूज़ कर रही रूँ सूखा हुआ मार्स का मस्कारा इट्स माय फेवरेट एंड मैंने इसे ऑर्डर दिया था बट ये कैंसिल हो गया बट अभी मुझे ना इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अफोर्डेबल में एक यही मस्कारा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ ना जो बेस्ट हो बेस्ट मतलब बढ़िया एंड जस्ट लुक एट माय आई मेकअप सी द डिफरेंस मस्कारा लगाने के बाद डिफरेंस देख सकते हो ये सूखा होने के बावजूद इतना प्यारा लग रहा है इसी से मैं हल्के हाथों से अपना आ, आ, आई लेसेस आई, लेसे, आई लेसेस नहीं इसको क्या बोलते हैं आईब्रो सेट कर रही हूँ ओके बहुत ही हल्के हाथों से okay रिस्क मत लेना ऐसे मत कर देना ठीक है अभी मैं इधर भी मस्कारा लगा लेती हूँ नाक कान में बस ना लगाऊँ अब देखो ये आई मेकअप बढ़िया से कंप्लीट हो गया कोई ताम झाम नहीं है ना मैं क्रीम ब्लस लगाऊँगी एंड पाउडर ब्लस लगाऊंगी पता नहीं क्या मेरा ना सुबह सुबह आज ब्लश टूट गया मैं यूज़ करी उस स्विस ब्यूटी का ये टिंट इट्स रियली नाइस बट ये कोरल सेड में है एंड मैं येलो साड़ी पहनने वाली हूँ चल तो जाएगा बट ठीक है अभी मेरे पास क्रीम ब्लस में यही है एंड इसमें आई थिंक और भी सेड है तो आप पिंक में भी मंगा सकते हो ये बहुत ही प्यारा सेड है बट वही है कि अगर आपको पिंक ब्लस पसंद है तो फिर आप ऐसे समझ रहे हो मेरी बातों को मैं इस क्रीम ब्लस को सेट कर लूँ क्योंकि मुझे हल्का सा पिंकिस चाहिए था तो बट ये ब्लस मुझे उतना भी पसंद नहीं है बट ठीक है यार ये क्या बाहियात लग रहा है ये गलती मत करना कोरल लगा रहे हो तो कोरल से ही सेट, सेट करो गाइस मेरी ना कैमरा की बैटरी लो हो गई थी एंड आधा घंटा बाद मैं इसे चार्ज कर कर फिर आप लोगों के पास आ रही हूँ कभी कभी लगता है मेरी लाइफ हेल हो चुकी है यार इसको भी जलाना पड़ेगा क्या थोड़ा सा जला लेती हूँ ओके गाइस तो मेरा आई मेकअप आधा घंटा के बाद भी एकदम वैसे ही सेट है मतलब कुछ नहीं हुआ यार इसे मैंने ब्लस लगाया आई थिंक वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई होगी क्योंकि वो जो बैटरी लो हो जाती है ना उसके बाद वो क्लिप आ नहीं आ पाती फ़ोन में फिर तो, एडिट करने के की इट अब हम करेंगे हाइलाइटर वाला पार्ट और थोड़ा सा मैं ब्राउजर भी लगा लूँ क्या क्योंकि मेरा ना फेस थोड़ा ज़्यादा चबी है मैं ना मोटी घोटी हो गई हूँ यार अभी मैं एक्सरसाइज चालू करने का सोच रही हूँ <laughs> करने का ये है रिमल का ब्राउजर जो कि लाइक स्टार्टिंग uh, में आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सेड पता ही नहीं चल रहा बट ब्रॉजर ऐसे ही होता है एकदम पता ही नहीं चलेगा बट लगाने के बाद थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपका फेस ना ब्राउन्ज है थोड़ा सा है आपके फेस पर इफेक्ट वो ऐसा वाइट सा नहीं लगेगा समझ रहे हो तो मैं बस हल्का करती हूँ एंड मुझे ये पसंद है इसमें मेरा जो सेड है वो है ज़ीरो ज़ीरो थ्री सनसेट ओके ज़्यादा हो गया सी उसके बाद आ, गैस ब्रॉन्जर लगाने के बाद लिक्विड हाईलाइटर लगा रही हूँ अभी बोलोगे यार पाउडर लगाने के बाद आ, ये लगा रहे हो लिक्विड हाईलाइटर एस मैंने ब्राउन्स करा है हाईलाइटर मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो मैं लगा रही हूँ सिस ब्यूटी का लिक्विड हाईलाइटर इट्स माई फेवरेट मतलब 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 मैं बता नहीं सकती ये मुझे कितना पसंद है एंड ये बहुत ही अच्छे से हाथों से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ही नेचुरल लगता है आपको इधर लगाना है ठीक है इधर जो मैंने लगाया ना वो गलती मत करना मैं बता रही हूँ इधर लगाना है देखो देखो ऐसे ओके मेकअप फिक्सर से सब कुछ फिक्स करेंगे जैसे स्वस्थ देवती का मेकअप फिक्सर एंड ये अफोर्डेबल में काफी अच्छा है एक दो बार ऐसे ये स्प्रे कर लेना क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऐसे डायरेक्ट आपके मुंह पे लगेगी ऐसे ऐसे अच्छे से इसका स्प्रे वाला होल ना खुल जाता है ओके okay, बड़बड़ मत करो वरना मुंह में चले जाएंगे ठीक है प्रिया ठीक है Guys, I'm थोड़ा सा बस मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ अब हो गया सब कुछ काम मेरा जस्ट लुक एट द ग्लो लुक एट द मेकअप गाइज ओके ठीक है अभी मैं लिपस्टिक के लिए यूज करूँगी जो आई थिंक थोड़ा सा महंगा हो सकता है इस बजट के बाहर बट ये दो शेड नहीं मुझे यूज करना था यार दैट्स वे चूज कर लिया ये आई थिंक टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड के बीच में मैंने लिया था मेबलिन का ऑफर में मिंत्रा से मैंने लिया था बट टैक कर दूंगी मैं आप के लिए टैग नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये मैबलिन का सेट है नाइन जीरो थ्री मिड नाइट डेट वेरी ब्यूटिफुल मरून सेट जो आई थिंक होना चाहिए एंड दिस इज अ मामा अर्थ का इन द सेड हिजल नट ब्राउन आई जिस लव दिस न्यूट सेड एंड मामा अर्थ का ही मैं एक और लिपस्टिक यूज करने वाली थी मरून के जगह वो इज सेम रेजिंग पंच वो मेरा फेवरेट कलर है बट मैंने सोचा फिर दोनों मामा अर्थ का यूज करूंगी तो आप लोग बोलो स्पॉन्सि वीडियो कर रही हो जो तो मैं कर नहीं दी हूँ okay तो सबसे पहले ना मैं ये मामा अर्थ की ब्राउन सेड लूंगी एंड इससे ना ऊपर ऊपर लगाऊंगी लाइन जैसे करते हो ना वैसे बट उतनी पतली भी लाइन नहीं करनी है समझ रहे हो बात को एंड आई जस्ट ला कॉम्पोगा ये जो सेट है ना ये मरून वाली ये आपको बीच में लगानी है यस yes. बीच में लगाकर अपने फिंगर से ऐसे-ऐसे हल्का हल्का समझ कर दो बीच में ही बाहर नहीं जाना चाहिए एंड ऊपर भी ऐसे कर सकते हो ठीक है